हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द हिंदी ग्रामर क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाउन। तो यहाँ हम जानेंगे कि संज्ञा होती क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा जो इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा क्या होती है, किसी भी प्राणी का नाम या किसी वस्तु का नाम या फिर किसी स्थान का नाम या किसी भाव का नाम, यानी कोई भी नाम हो वो क्या कहलाता है, हमारा संज्ञा कहलाता है। तो देखिए, प्राणी कौन होते हैं, जैसे कि कोई जीवित प्राणी, मोहन है, महात्मा गांधी है, स्त्री, स्त्री एक औरत है तो वो क्या है, प्राणी में आएगी। घोड़ा, घोड़ा एक जंतु है जो जीवित है तो ये भी किसमें आता है, प्राणी में। तो ये जो सभी प्राणियों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे संज्ञा। अब वस्तु, वस्तु आप जानते हैं, कोई भी वस्तु, कलम, मेज, पुस्तक, गुड़िया, कोई भी वस्तु होती है तो इन सबका हर एक नाम होता है अलग अलग। जैसे इसका नाम है गुड़िया, इसको पुस्तक, मेज, कलम। तो इस तरीके से ये जो नाम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, संज्ञा। स्थान, अब स्थान का नाम होता है जयपुर या बाग, जैसे हमारा जो पार्क होता है उसको हम किस नाम से बोलते हैं, बाग, गांव, दिल्ली। तो ये सब क्या है, जगहों के नाम होते हैं अलग अलग, उनको भी क्या किस में रखा जाता है, संज्ञा में। अब भाव, भाव कैसे कोई भी हो सकता है, जैसे कि गर्मी, गर्मी लगना, खुशी यानी बहुत खुश होना, दया, किसी के ऊपर दया आ जाना, ये क्या है, भाव दिखा रहे हैं हमारे। तो ये भाव के नाम हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे संज्ञा। जैसे कि मिठास आदि। तो इस तरीके से किसी भी प्राणी का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा कितने प्रकार की होती है यानी किस किस तरह के होते हैं। संज्ञा के मुख्य तीन प्रकार या भेद होते हैं, ठीक है। तो हम प्रकार को भेद भी कह सकते हैं। तो यहाँ संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार। तो वो तीन प्रकार में सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। सेकंड है हमारा जातिवाचक संज्ञा, इसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा, इसको सब्ट्रैक्ट एड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ हमारे संज्ञा के तीन प्रकार दिए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आप देखिए, हमारा जो फर्स्ट है भाववाचक संज्ञा, वो क्या होता है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध होता है, यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी स्थान का या वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम आए या किसी स्थान का या किसी वस्तु का, तो उसको किसके अंतर्गत रखते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। जैसे कि व्यक्ति का नाम हो गया ये राकेश, उदयपुर, जलेबी, ताजमहल। तो देखिए, राकेश व्यक्ति का नाम हो गया, उदयपुर स्थान का नाम, जलेबी एक वस्तु है खाने की, ठीक है, ताजमहल एक स्थान है। तो स्थान का किसी का भी नाम हो, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है जिससे हमें बोध हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, ठीक है, यानी कोई भी प्राणी है तो उनकी एक जाति का बोध हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, अब हमें पता चल रहा है कि ये लड़का, इसकी जाति क्या है, लड़का है, यानी लड़की नहीं है, ठीक है। नाम से हमें नहीं पता चल सकता है कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन यहाँ ये हमें जाति का बोध करा रहा है, तो ये किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी का नाम दिया है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन अगर लड़का, स्त्री, औरत,
पुरुष, इस तरह से अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया है तो वो किस में आएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा में। अब देखिए पर्वत, तो हमें नहीं पता कौन सा पर्वत है, लेकिन यहाँ पर्वत बोला है तो पर्वत कोई भी पर्वत हो सकते हैं, तो एक जाति का बोध हो रहा है कि वो क्या है, एक पर्वत है। बर्तन और छात्र, हमें ये पता चल रहा है कि ये छात्र है, ठीक है, हमें नहीं पता लड़का है या किस उम्र का है, क्या नाम है उसका, इस बारे में हमें नहीं पता चल रहा। हमें ये पता चल रहा है कि वो एक छात्र है, यानी इस विद्यालय में पढ़ने वाला है, यानी उसकी जाति का बोध हो रहा है। तो ये क्या किसके क्या हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दोष, दशा या स्वभाव का बोध होता है, यानी ऐसे शब्द, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें किसी व्यक्ति की मतलब जैसे उसके स्वभाव के बारे में पता चलता है या उसके उसके गुण के बारे में पता चलता है या कोई वस्तु अच्छी है ये उसकी बात पता चलती है, तो ये क्या किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। जैसे कि वीरता, तो हमें ये व्यक्ति की विशेषता पता चल रही है कि वो क्या है, उसके अंदर वीरता है, यानी वो बहादुर है, ठीक है। वीरता क्या है? एक भाव है, यानी व्यक्ति के अंदर होने वाला एक भाव। तो ये किस में आ गया? भाववाचक संज्ञा में। बचपन, बचपन एक दशा है, ठीक है, यानी जब व्यक्ति क्या होता है, छोटा होता है तो उसका बचपन होता है, तो वो क्या है, एक दशा है। खुशी, खुशी क्या है, उसके अंदर की प्रसन्नता, तो ये एक भाव है। सुंदरता, ये क्या है, उसका गुण है कि वो सुंदर है। मोटापा, वो मोटा है, ये उसका गुण और दोष दोनों ही हो सकते हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके से जो भी स्थान के भाव होते हैं, गुण होते हैं, दोष या दशा जो भी होते हैं, उनका बोध हो जाए जिन शब्दों से, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा।